बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़न तेज़ी से कम करने के बेहतरीन टोटके, आपको बेहतरीन इलाज बताने जा रही हूँ। घर बैठे ही आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, बिना एक्सरसाइज किए, बिना वर्जिश किए, बिना आप किसी दवाई के इस्तेमाल किए। अक्सर ख़वातीन और हज़रात दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, टेबलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करने लगे हैं अपने वज़न को तेज़ी से घटाने के लिए। नाज़रीन, केमिकल से पाक आपको बेहतरीन टोटके बताने जा रही हूँ, जो आपकी सेहत के लिए, जो आपके लिए सूटेबल्स हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स भी पा सकते हैं। आपको वज़न कम करने की परेशानी है, या आपको वज़न आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, कंट्रोल करने की परेशानी है, या आपके जिस्म में चर्बी की मिकदार बढ़ती चली जा रही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता चला जा रहा है, ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, मैदे के मसाइल हैं, सीने की जलन, तेजाबियत या कब्ज़ जैसी मूजी अमराज का आप शिकार हैं, तमाम मसाइल आपकी सेहत के हल हो जाएंगे और आपका वज़न भी तेज़ी से कम हो जाएगा, आपके जिस्म की फालतू लटकती हुई चर्बी भी पिघल जाएगी। तमाम ख्वातीनों हजरात के लिए ये बेहतरीन इलाज है, इनको लाजमी आजमाएं और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स पाएं। मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने इसको इस्तेमाल करना है और फिर अच्छे रिजल्ट्स पाने हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ इनको कैसे आपने इस्तेमाल करना है और कैसे अच्छे रिजल्ट्स पाने हैं। नाज़रीन, तेज़ी से वज़न घटाने के चार तरीके आपको बताने जा रही हूँ, जो आपकी सेहत के लिए सूटेबल है, आप अख्तियार कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी पा सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहला तरीका ये है कि आपने एक गिलास नीम गर्म पानी का लेना है और इसमें एक अदद लेमन जूस निकाल कर मिक्स कर लेना है और नहार मुंह रोज़ाना सुबह को नाश्ते से आधा घंटा पहले पी लेना है। एक गिलास नीम गर्म पानी में एक अदद लेमन जूस निकाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और नहार मुंह आपने नाश्ते से आधा घंटा पहले पी लेना है। नाज़रीन, रोज़ाना इसका इस्तेमाल करना है। जिन हजरात ख़वातीनों हजरात के लिए लेमन सूटेबल नहीं है, सूट नहीं करता, गले में खराश पैदा हो जाती है, तो वो दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक गिलास नीम गर्म पानी में दो चम्मच शहद अच्छी तरह से मिक्स करके पी लें रोज़ाना, नाश्ते से पहले यानी खाली पेट, नाश्ते से आधा घंटा पहले आप पी सकते हैं। और जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला है, शुगर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का मसला है, तो वो रोज़ाना नाश्ते से आधा घंटा पहले एक गिलास नीम गर्म पानी का लें और लहसुन के तीन जवे चबा के खा लें या ऐसे निगल लें, भी आपकी मर्ज़ी है। अगर ये सब आपको सूट नहीं करता तो आपको चौथा तरीका बताने जा रही हूँ, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना खाली पेट यानी नाश्ते से आधा घंटा पहले नहार मुँह आपने दो से तीन टमाटर ले लेने हैं, उनको अच्छी तरह से धो लेना है, छिलके समेत उनको काट लेना है और फिर खा लेने हैं। दो से तीन टमाटर आपने लेने हैं, उनको अच्छी तरह से धोकर छिलके समेत काट कर आपने खा लेने हैं। रोज़ाना आपने इन टोटकों का, इन तरीका इलाज का इस्तेमाल करना है। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर उम्र के अफराद के लिए ये सूटेबल है, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप जिस तरह आपको सूटेबल हो, आप कोई सा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें परेशान हजरात के साथ जो वज़न कम करना चाहते हैं तेज़ी से, और उन हजरात के साथ भी लाजमी शेयर करें जिनका पेट लटक चुका है या तोंद की सूरत में बन चुका है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।